नमस्कार, स्वागत है आपका स्टेनो मास्टर में। आज आप लोगों को, अगर आप लोगों को हिंदी में बहुत अच्छी स्पीड करनी है तो आप लोगों को वाक्यांश जरूर आना चाहिए। वाक्यांश स्टेनो में स्पीड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वाक्यांश में कुछ चीजें होती हैं जो लास्ट की होती हैं, वो मुझे लिखना आना चाहिए। उसको शॉर्ट में कैसे एक साथ लिखते हैं वो आपको आज हम बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो आप उसको शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है होती है। होती है तो ये आपका होती है, ये होती का साइन होता है और ये आपका हो गया है। या तो होती है आप ऐसे लिख लिए, या फिर हा का ये साइन होता है, ती है, आप ऐसे लिख सकते हैं। हा का, हा को मैंने बताया था कि जब ये गोला जो होता है ये बड़ा कर दे तो हा का साइन होता है। हो ये ता हो गया, होती है। आप चाहे तो ऐसे लिख दें, चाहे तो स्पीड के साथ ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये होती है आ गया। अब आ गया होती है, होता है, सब एक ही होता है। ठीक है, इसके बाद लगती है। लगती है देखिए, ये हो गया आपका ला ऊपर से, ठीक है, ये हो गया गा और ता नीचे आता है तो ती है, ये हो गया लग ती, ये लगती हो गया। ठीक है, और इसी को थोड़ा सा बड़ा कर देंगे तो है हो जाएगा, तो हो गया लगती है। नेक्स्ट आपका है हो जाती है। ठीक है, हो जाती है के लिए ये हा पूरा बनाएंगे। मैंने बताया था गोला आपको पूरा बनाना पड़ेगा, ये हा का साइन देता हो और ये जा डार्क बनाएंगे, हो जाती है। ठीक है, जाना का साइन ये होता है, ठीक है, तो हो का साइन ये होता है, तो हो गया हो जाना। ठीक है, जाती ये ता का साइन होता है ना, ये ता का होता है, ना का होता है। ठीक है, हो ये हो गया जाती और ये हो गया है, और हो जाना, जाना के लिए ऐसे कर देंगे। ठीक है, याद रखेंगे आप ये लोग ये चीजें। नेक्स्ट है होती रहती है, ये हो गया हा होती, ठीक, होती। इसके बाद रा हटा देंगे, रा साइलेंट कर देंगे, ती है, होती रहती, ये ती आ गया और ये है होती रहती है। ऐसे करके ऐसे करके ऐसे आप लोग ये रटेंगे, खूब रटेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तब आपको आगे की, जो लोग अभी 40 प्लस चल रहे हैं वो चीज इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो लोग स्पीड कर रहे हैं उनके साथ इसको कई वर्ड एक साथ इसको जोड़ने पड़ेंगे, आगे आने वाले वर्डों के साथ इसको जोड़ा जाएगा इसी तरह। ठीक है, जैसे मुसीबत आने वाली है, मुसीबत आने वाली है तो मुसीबत आने वाली एक साथ लिखेंगे। ठीक है, आने वाली है, मैंने बताया इसमें कहीं पर आने वाली है या आती ही रहती है। ठीक है, मुसीबत आती ही रहती है तो एक साथ लिखेंगे, मुसीबत के साथ या आती ही रहती है एक साथ जोड़ देंगे। समझ में आ रहा है, तो यह चीज आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है आती ही रहती है, आ का साइन ये होता है। ठीक है, आती का साइन ये होता है, हल्का सा आ, ये ती, आती। अब इसी को बड़ा कर दे अगर तो ही हो जाएगा, तो आती ही, और ये हो गया र ह। ठीक है, ये हो गया आती, ये हो गया आती रहती और है। समझ आ रहा है, कैसे फिर से बताते हैं, ये हो गया आती ही रहती है, ये आपका रा होता है, हा होता है, रहती रहती है, इसी तो लिखते हैं, और है, और आती में इसी में आती ही ऐसे लगा देंगे, बस ये आती ही रहती है। ठीक है, इस तरीके लिखेंगे। तो इसको एक साथ कैसे लिखेंगे फिर से आपको बता देते हैं, तो इसको ऐसे लिखेंगे, आती ही रहती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका यह नहीं है। यह का साइन आप लोगों को क्या होता है, यह का साइन ऐसे करके होता है, यह। अब इसी में नहीं कैसे जोड़ेंगे, नहीं और है, नहीं भी साइन दे रहा है और है का भी साइन दे रहा है, यह नहीं। आप लोगों को यही समझना है कि दो डिक्टेशन को एक साथ कैसे मिला सकते हैं, यह नहीं और ये नहीं का भी साइन दे रहा और हा का भी साइन दे रहा, नहीं है, नहीं और है भी, तो यह नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आपका यह आवश्यक है। देखिए, हो गया यह आवश्यक, यह हो गया आवश्यक का साइन ये होता है ना, आवश्यक है। समझा रहा, अब यह का साइन क्या होता है, ये आवश्यक का साइन होता है ये, और है का साइन होता है ये। अब इसी को एक साथ मिला लीजिए, यह आवश्यक है। समझा रहा है, इस तरीके इसको लिखेंगे, यह आवश्यक है। नेक्स्ट आपका यह देखा जाता है, तो देखा जाता का दे दा साइलेंट कर देंगे, हा हो जाएगा। ठीक है,
और जाता का ये लिख लेंगे, जाता है पूरा एक साथ हो जाता है की स्पेलिंग क्या होती है, मतलब डिक्टेशन क्या होती है, इस तरीके होती है जाता है। तो देखिए हो गया यह है, ठीक है, देखा जाता है, समझ आ रहा है, यह हो गया यह हो, देखा ये देखा हो गया, जाता है, आप लोग रख डालिए इसको, ठीक है। नेक्स्ट है यह सुना जाता है, देखिए यह सुना जाता है तो इसमें कैसे लिखेंगे, देखिए यह हो गया और यह हा का भी शान दे रहा, सा का भी ध्यान दे रहा, तो यह सुना जाता है, समझ आ रहा है, यह सुना भी हो गया सुना, या है भी दे रहा, यह है सुना जाता है, यह सुना जाता है, यह तो निश्चित ही है, यह तो निश्चित ही है, यह है ठीक, और इसी के साथ तो निश्चित, निश्चित ऐसे ही लिखेंगे है, निश्चित तो आप कैसे लिखेंगे, यह हो गया निश्चित है ठीक, ऐसे में यह जोड़ लीजिए, यह है और तो है तो थोड़ा नीचे जोड़ दीजिए, तो हो गया यह तो निश्चित है। नेक्स्ट आपका आशा की जाती है, आशा कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं आशा, ठीक है, तो ये हो गया आशा, ठीक, की जाति का इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि का साइलेंट हो जाता है, जब कोई चीज छोटी लिखी जाती है तो का उसमें जुड़ जाता है, ठीक है। तो वाक्यांश अनुसार आशा की जाति है, जाति है का साइन हमने जैसा आप लोगों को बताया कि इस तरीके होता है, ठीक है, तो की जाती है, आशा नहीं की जाती है, देखिए आशा ऐसे लिखा था, नहीं इसमें ऐसे करके जोड़ दीजिए और की जाती है उसी के आगे जोड़ दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है अधिक से अधिक, क्या है अधिक से अधिक, देखिए ये आ हो गया अधिक हो गया, ये आ धा का साइन दे रहा है ना, अधिक ये अधिक हो गया, अधिक ये धा हो गया, अधिक ये का हो गया, से अधिक ये आगे आका लगा दिया, इसका मतलब हो गया अधिक से अधिक, इसी का साइलेंट वाला कर दिया, ये छुपा दिया तो हो गया अधिक से अधिक। अब अधिकाधिक तो इसमें बस ये से नहीं है तो इसलिए ऐसे करके ऐसे कर देंगे तो अधिकाधिक हो जाएगा, ठीक है, ये अधिका अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट आपका चाहने वाले, तो देखिए ये हो गया चा, लोक, लोक क्या बोलते हैं, चाहने वाले लोग, लोक को क्या बोलते हैं, ऐसे करके बोलते हैं, ला को लोक को ऐसे लिखते हैं लोग, है ना, तो इसमें चा ये हो गया हने, ठीक है, वाले लोग, ठीक है, लोग के लिए क्या लिखेंगे, चाहने वाले लोग, ठीक है, चाहने वाले, ये ला हो गया, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है चुपके से, देखिए ये आपका चा हो गया, ठीक, ये चा हो गया, और चा में देखिए ऊ की मात्रा लगी हुई है, मैंने बोला था कि अगर ऊ की मात्रा लगी है या ई की मात्रा लगी है तो हमेशा कट के बनेगा, ठीक है, तो इसलिए हमने काट दिया इसको, चुप प, चुप हो गया, ये चिप होगा या तो चुप होगा, तो चुप होगा चुप, और के, और ये हो गया से, चुपके से। नेक्स्ट है आपका साफ, साफ देखिए ये हो गया साफ, ये हो गया साफ, ये आपका पा जो है नीचे ये ऐसे कर दिया तो ये कट गया, इसका मतलब हो गया बीच से कटना, ठीक है, इसको बीच से नहीं काट सकते इसलिए हमने किनारे से काट दिया, और सा, और इसके बाद हमने ये काट दिया तो हो गया फा, और फिर इसी को मैंने काट दिया, इसी कर दिया फा, तो हो गया साफ, और ये हो गया साफ। इस तरीके आपकी डिक्टेशन ये पूरी कंप्लीट हो जाती है, आप लोग इसको पूरा प्रैक्टिस करेंगे, खूब प्रैक्टिस करेंगे, जैसे मैंने बताया इसको खूब प्रैक्टिस करेंगे, वाक्यांश को आप लोग पूरा बना लीजिए, पूरा बनाने के बाद उसको बार बार लिखिए, बार बार लिखने के बाद आउटलाइंस खुद बनाइए, जब नहीं बनाते बना पा रहे हैं तो उसको हम मुझसे, मतलब मुझसे पूछिए, अगर मुझसे पूछेंगे तो 10 मिनट बाद आपको वो वाक्यांश पूरा मिल जाएगा। तो आप लोगों को ये पूरी डिक्टेशन कंप्लीट करनी है, आपको जिन लड़कों को, और एक विशेष सूचना, जिन लड़कों को इंग्लिश स्टेनो पढ़नी है उन लड़कों को, एक नया बैच कल से ज्वाइन हो रहा है, आप लोग सभी लोग, बैच स्टार्ट हो रहा है, आप लोग जितने लड़के हैं वो हमें ज्वाइन कर सकते हैं मेरे दिए हुए नंबर पर, आप लोग नंबर नोट कर लेंगे, ये आप नोट कर लेंगे, और इसको नोट करने के बाद आप लोग इसी में मैसेज करेंगे, हम आपको वो डिक्टेशन बता देंगे। धन्यवाद।